नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के बुक 2 चैप्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपको पता है चैप्टर 6 है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट्स, सिरका 8th टू 18th सेंचुरी। भक्ति सूफी परंपराएं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम सीखेंगे प्ले एंड लर्न मेथड से, खेलेंगे और सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज हैं, चूंकि ये क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट के लिए कर रहे हो या किसी दूसरे स्टेट के टीईटी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवेज, एलआईसीज, इस तरह की नौकरियों की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत ध्यान से इनको सीखें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस खेल के रूल समझा देता हूं मैं आपको। पेन और पेपर रेडी रखिए, यहां से आगे आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और सभी क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क निर्धारित है, यानी कि टोटल 15 मार्क्स हो गए। आपको टाइमर के साथ एक सवाल का जवाब देने के लिए 5 सेकंड मिलेगा। इसके अंत में सही उत्तर भी दिया गया है, आप अपने उत्तर के साथ मैच कर सकते हैं और देखिए कि आपने कितना स्कोर किया। यदि आप आउट ऑफ 15 11 और मोर स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी एक्सेलेंट है। अगर आप 6 एंड 10 के बीच स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी गुड है, और अगर आप आउट ऑफ 15 5 या उससे कम मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का खेल। ऑल द बेस्ट। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, Who frequently ignored the authority of the Vedas? वेदों के अधिकार को किसने अनदेखी की? अब यहां पर ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, तांत्रिक, सगुन, निर्गुण अथवा अलवार, और आपके लिए 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह रहा आपके लिए, हु इज द प्रिंसिपल डाइटी ऑफ पुरी इन ओडिशा? ओडिशा में पुरी जो स्थान है वहां के प्रमुख देवता कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं शिव, कृष्ण, जगन्नाथ और बलराम। इसमें से सही जो उत्तर है वो आपको सुनना है, और यह रहा आपका समय। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 यह रहा आपके स्क्रीन पर, वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशंस बाय द अलवार्स, द नलगिरा दिव्य प्रबंधम was frequently described as what? नलगिरा दिव्य प्रबंधन, जो अलवारों की रचनाओं का एक प्रमुख संकलन है, को अक्सर किस रूप में वर्णित किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं मलयालम वेद, तमिल वेद, कन्नड़ वेद अथवा संस्कृत वेद। सही उत्तर चुनिए, आपका समय रहा ये। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। नेम द अलवार विमेन डिवोटी। आपको उस महिला भक्त का नाम बताना है जो अलवार संप्रदाय से आती थी, और आपके ऑप्शंस हैं करैकाल अम्यार, मीराबाई, लोपा या फिर अंडाल। और आपका समय शुरू होता है अब। Thank you.
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेम दी नयनार विमेन डिवोटी, उस महिला भक्त का नाम आपको बताना है जो नयनार संप्रदाय से आती थी। और आपके ऑप्शंस हैं करेकाल अमियार, मीराबाई, अंडाल और लोपा। और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर थीम्स इन तमिल भक्ति हाइम्स? तमिल भक्ति भजनों के प्रमुख विषयों में से एक क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं ऑपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बौद्ध और जैन धर्म का विरोध, या सपोर्ट टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बौद्ध और जैन धर्म का समर्थन। सी ऑप्शन है अपोजिशन टू इस्लाम, इस्लाम का विरोध, या फिर डी सपोर्ट टू इस्लाम, इस्लाम का समर्थन। सही चुनाव आपको करना है उत्तर का। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच चोला रूलर had consecrated metal images of Appar, Shambandar and Sundarar in a Shiv temple? किस चोल शासक ने अपार, संबंदर और सुंदरार की धातु की छवियों का एक शिव मंदिर में अभिषेक किया था? और आपके ऑप्शंस हैं परांतक 4, परांतक 3, परांतक 2 या फिर परांतक 1। सही ऑप्शन चुनिए। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 8। हु लेड द वेयर साव ट्रेडिशन इन कर्नाटक? कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? उनका नाम आपको चुनना है। और आपके ऑप्शंस हैं कलचुरी, लिंगायत, बसवन्ना या फिर जंगम। और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 9। आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीर साहिब ट्रेडिशन इज डेराइव फ्रॉम वेयर? वीर साहिब परंपरा की हमारी समझ कहां से उत्पन्न हुई है, इसका सोर्स कहां है, यह आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं ए दोहा, बी साखी, सी वचन, डी मंत्र। और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 10। Which God is worshipped by the Lingayat community? लिंगायत समुदाय द्वारा किस भगवान की, किस ईश्वर की पूजा की जाती है, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड रामा या फिर लॉर्ड कृष्णा। और आपका समय शुरू होता है अब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेम द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज हु परफॉर्म वेरियस रिलीजियस, जुडिशियल एंड टीचिंग फंक्शंस। इस्लामी अध्ययन के उस विद्वान का नाम, मुख्य रूप से उनका पद आपको बताना है जो विभिन्न धार्मिक, न्यायिक और शिक्षण का काम करते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं मौलवी, शेख, जिम्मा या फिर उल्मा। और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच लॉज गवर्न द मुस्लिम कम्युनिटी? कौन सा कानून मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करता है? आपको ऑप्शंस चुनने हैं ए शरिया, बी कुरान, सी हदीस
डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी, और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हेन एन अरब जनरल नेम्ड मोहम्मद कासिम कॉन्कर्ड सिंध, मोहम्मद कासिम नामक एक अरब जनरल ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की, वो साल आपको बताना है। और आपके पास ऑप्शंस हैं 711 AD, 715 AD, 718 AD एंड 718 AD अगेन। तो बेसिकली आपको तीन ऑप्शंस यहां मौजूद हैं, आप उनमें से एक सही ऑप्शन चुन सकते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हु पेड अ टैक्स कॉल्ड जिजिया एंड गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स, किसने जजिया नामक कर का भुगतान किया और मुसलमानों द्वारा संरक्षित होने का अधिकार प्राप्त किया, यहूदी क्रिश्चियन हिंदू या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी समुदायों ने जजिया नामक कर का भुगतान किया और मुसलमानों द्वारा संरक्षित होने का अधिकार प्राप्त किया, ये आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, अब हम अपने खेल के अंतिम पड़ाव पे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अरब मुस्लिम ट्रेडर्स हु सेटल्ड अलोंग द मालाबार कोस्ट एडॉप्टेड विच लैंग्वेज, मालाबार तट के किनारे बसने वाले अरब मुस्लिम व्यापारियों ने किस भाषा को अपनाया, और आपके पास ऑप्शंस हैं हिंदी मलयालम पंजाबी या फिर मैथिली, और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर लिख लिए होंगे, अब समय है अपने उत्तरों को मिलाने का। तो चलिए अपने उत्तर मिलाइए और देखिए कि आपके कितने आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तांत्रिक, 2 जगन्नाथ, 3 तमिल बेद, 4 अंडाल, 5 करेकाल अम्यार, 6 अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म यानी कि बौद्ध और जैन धर्म का विरोध, 7 परांतक वन, 8 बासवन्ना, 9 बचन और 10 लॉर्ड शिवा, 11 उल्मा, 12 ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी, 13 711 AD, 14 ऑल ऑफ द अबव अगेन उपरोक्त सभी, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है मलयालम। तो दोस्तों आशा करता हूं खेल खेल में आपने ये 15 सवाल सीखे, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मस्ट है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, सीखते रहिए, देखते रहिए, धन्यवाद।